नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए फेसबुक लाइव के जरिए महापौर दयाशंकर तिवारी द्वारा जनता से संवाद साधा गया है। नमस्कार सभी नगरवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव निमित्त साथ ही साथ में भारत रत्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनकी 125वीं जयंती निमित्त आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम यह जो आज़ादी देख रहे हैं यह आज़ादी उन आज़ादी के परवानों के कारण मिली है जिन्होंने अहोरात्र मेहनत करके अपना सर्वस्व समर्पित करके अपना संपूर्ण परिवार का परिवार राष्ट्र की दैदीप्यमान ज्वाला में झोंक दिया और उससे उत्पन्न जो ज्वाला हुई उसकी पवित्रता से निखर करके इस देश को आज़ादी मिली और उन महान शूरवीर सिपाहियों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम एक अलग ही है। नेताजी अपने बचपन से ही कुछ अलग प्रकार के विद्यार्थी के रूप में निखर करके सामने आए। नेताजी विद्यालय में पढ़ते थे, प्राइमरी एजुकेशन ले रहे थे और एक दिन उनके मुख्याध्यापक ने, जिनका नाम बेनी माधव था, उनसे प्रश्न किया। प्रश्न नेताजी से नहीं था, प्रश्न पूरी क्लास से था और प्रश्न बड़ा ही मार्मिक था कि हिंदुस्तान जैसा गौरवशाली देश किसके कारण गुलामी के गर्त में डूबा है करके। शिक्षक ने प्रश्न किया कि बताओ किसके कारण डूबा हुआ है। सारे बच्चे चुपचाप बैठे हुए थे। एक बच्चा खड़ा हुआ, छरहरा सा बदन था, उम्र ज़्यादा नहीं थी, 7 साल की थी। उस बच्चे ने उत्तर दिया कि हम बंगालियों के कारण। सारे बच्चे हंसने लगे तो मुख्याध्यापक ने उसको खड़ा किया, पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है। उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम सुभाष है। तो पूछा जानकी बाबू के पुत्र हो। उन्होंने कहा कि हाँ। और उन्होंने सारे बच्चों को बताया कि हाँ, यह जो अंग्रेज है ना, ये अंग्रेज सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में हमारे बंगाल में आए, कलकत्ता में आए, और हम बंगालियों ने समय रहते उन्हें खदेड़ दिया होता तो शायद वो पूरे देश को गुलाम नहीं बना सकते थे। इसलिए सचमुच में अगर ये किसी की कमजोरी है तो कहीं ना कहीं हम बंगालियों की कमजोरी है। और ये सुभाष ने बहुत सही बात कही है। उस उम्र से ही इस प्रकार की विचारधारा रख के आत्मावलोकन करके इस राष्ट्र की समस्या का निराकरण करने की दिशा में सुभाष को एक ललक थी। सुभाष जी आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते वे रेवेन्सो कॉलेज स्कूल में गए। अब जैसे ही रेवेन्सो कॉलेज स्कूल में गए तो वहाँ प्रतिदिन मुख्य रूप से एक बच्चा सामने आता था और बच्चा सामने आकर के प्रार्थना बोला करता था। अब प्रार्थना किसकी होती थी तो पंचम जॉर्ज की प्रार्थना होती थी, रानी विक्टोरिया की प्रार्थना होती थी।